जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। एक युग हिंदू धर्म में आमतौर पर समय की चक्र को बताता है। ब्रह्मा जी का एक दिन हजार महायुग, इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4,32,00,00,100 वर्ष। इसी प्रकार इतनी अवधि ब्रह्मा जी की रात्रि की भी है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार 4 तरह के युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 वर्ष बाद खत्म हुई थी, जिससे एक सामान्य व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष तक जिंदा रह सकते थे, जिनका कद 32 फुट तक लंबा हुआ करता था। इस युग में मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। सतयुग, जिसे कृत युग के रूप में भी जाना जाता है, सतयुग को सत्य के युग के रूप में भी जाना जाता है। इस युग में व्यक्ति भगवान के भक्ति में लगे रहते थे, का कार्य शुद्धत आदर्श से होता था। मनुष्य एक दूसरे की मदद करते थे और इस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, जो कि नैतिकता का प्रतीक है। आने वाले युगों में धर्म धीरे धीरे नष्ट होते जाता है। सतयुग में ना ही कोई अमीर था और ना ही कोई गरीब। कोई भी काम को करने में कोई आवश्यकता नहीं देते थे, क्योंकि मनुष्य को कुछ भी चाहिए था वो भक्ति भाव से मिल जाता था। इस युग में किसी भी रोगी व्यक्ति को पाया नहीं गया था। कोई भी मनुष्य पर किसी प्रकार का घमंड या कोई भी बुरा विचार नहीं था। कोई दुख नहीं और कोई भय नहीं। सतयुग चारों युगों में से सबसे पहला और सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। सतयुग में भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, उनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वारह अवतार और नरसिंह अवतार शामिल है। भगवान विष्णु ने जो ये अवतार लिए, वे शंकासुर के वध और वेदों का उदार सहित पृथ्वी का भार हरण, हिरण्यकश्यप का वध और प्रहलाद के मुश्किलों से बचाने के लिए भगवान विष्णु का सतयुग में अवतार हुआ था। सतयुग के समय भारत को जन्मद्वीप के नाम से भी जाना जाता था।